अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फ्री मैन व्लॉग्स। व्यूअर्स, आज आपसे सिर्फ अपने व्लॉग्स के हवाले से बातें करनी है, इसलिए मैं आज सिर्फ जो है ना आपसे बातें ही करूँगा। आज आउटिंग का कोई मूड नहीं था, तो बात यही है कि मैंने अपने व्लॉग्स के हवाले से बात करनी है कि आज तक आपने मेरे जो व्लॉग्स देखे हैं या जो मैंने बना के अपलोड किए हैं, उन व्लॉग्स के बारे में आपकी राय लेनी थी। बार बार आपसे कोशिश तो की है, हर व्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप मुझे बताएं मेरे व्लॉग्स के हवाले से कि आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे हैं या नहीं हैं, या उनमें क्या कमी है ताकि मैं उनको मज़ीद बेहतर कर सकूं। तो व्यूवर्स, आपसे गुजारिश ये है कि आपके व्यूज़ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना सा मुझे ये काम करते हो गया व्लॉग्स बनाते हुए, उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आपकी मेहरबानी है, आपका मैं नहायत मशहूर हूँ इस मामले में। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये करनी है कि आप कम अज़ कम जो व्यूज़ आप देते हैं मुझे, उनके साथ साथ अगर आप मुझे लाइक का भी थोड़ा सा दे दें बेनिफिट, तो बंडल ऑफ थैंक्स। मकसद यही है कि आप व्यू उसे देखते ज़रूर हैं, लेकिन उसका लाइक, उसका कोई कमेंट, किसी किस्म की आपकी राय, ये चीज़ मेरे लिए, मैंने आपको बार बार बोला है कि मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, मेरे व्लॉग्स के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अहमियत रखती है। तो आप बराए मेहरबानी जब आप मेरा व्लॉग देखते हैं तो काइंडली पूरा देखा करें। नंबर एक तो ये है कि उसे पूरा लाजमी देखें, उसमें आप देखें कि मेरे से कोई खता हुई है, कोई गलती हुई है, कोई मेरे में उसमें कमी रह गई है, तो आप मुझे उसके बारे में जो है ना ब्रीफ कर सकते हैं कि भाई आप इस पॉइंट पे इस चीज़ में आपकी कोई थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है, ताकि मैं अपने आप को कवर कर सकूँ। नंबर एक तो ये था। नंबर दो ये है कि बराए मेहरबानी आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दिलवाएं अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, और मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं यार। इसके अलावा ये है कि जितना भी आप मेरे से कम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं इस हवाले से आप मेरे करें, ताकि मैं अपने बेहतरी चाह रहा हूँ कि मैं इसमें बेहतरी ला सकूँ। आपको अपने इलाके के मसाइल के हवाले से भी मैंने फर्स्ट अपने इंट्रो में रिक्वेस्ट की थी कि किसी किस्म का कहीं भी कोई मसला है किसी किस्म का भी, तो वो आप मैं बताएं, हम वहाँ पे आएँ, वीडियो बनाएं और उसको अपलोड करें, ताकि मसले मसाइल जो हमारे गली के मोहल्ले के इस लेवल के भी हैं, वो भी हम जो है ना वो उजागर कर सकें, दिखा सकें। और इसी तरह जो है ना, इसी तरह ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला बेहतर हो सकती हैं अगर हम इस तरह का कंप्रोमाइज़ आपस में करेंगे। तो आपका काम है हमें अपने इलाके का बताना, अपना गली मोहल्ला जिस जगह पे आप रहते हैं, हमारा काम है वहाँ पहुँच के आपके वहाँ के मसाइल की वीडियो लेना और उसको अपलोड करना, और अरबाब इख्तियार के आगे रिक्वेस्ट करना कि जी ये मामला जो है ना इसको हल करवाया जाए। तो काइंडली आप जो है ना ये काम लाजमी करें, मुझे बताया करें। कहीं भी किसी किस्म कोई उर्स होता है किसी इलाके में, अच्छा भरपूर किस्म का, यानी कि जो है ना वो एन्जॉयमेंट का एक जहां भी कहीं माहौल बनता है, आप हमें बताएं, हम वहां पे आके वीडियो बनाएं, उसको अपलोड करें आपके इलाका की। तो कोशिश यही है। दूसरी बात ये है कि किसी किस्म का भी कोई आपको हमारे हवाले से या कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो काइंडली आप हमें बताएं ज़रूर, ताकि हम उसका कोई सदेबाब कर सकें जी। तो अगली बात यह है व्यूवर्स के, मैं जो व्लॉग अब तक मैंने बनाए हैं, मैंने अपने हर व्लॉग में ये कोशिश की है कि मैं जिस जगह का व्लॉग बना रहा हूँ, जहाँ पे जाके बना रहा हूँ, मैं वहाँ की ए टू जेड, कोशिश यही होती है कि ए टू जेड वहाँ की हर चीज़ जो है ना उसको मैं बनाऊँ और आपको दिखा सकूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जो है ना वो या तो कट करनी पड़ती हैं या जो है ना वो बनाते नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, लंबा व्लॉग बनाएं तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो शॉर्ट करना पड़ा। जब शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट करने में जो है ना उसमें ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो तो फिर
दिखाई नहीं जा सकती। तो इस चीज़ के बारे में भी आप मुझे काइंडली कोई राय दें कि हम व्लॉग को कितनी देर का बनाएं और हमारी टाइमिंग क्या होनी चाहिए उसमें, ताकि हम उतना व्लॉग बनाएं जितना के काबले बर्दाश्त हो, यानी कि बहुत लंबा भी ना बनाएं जो कि आप पसंद ना करें, या बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए जिसमें हम हर चीज़ को वाजे बता ना सकें, दिखा ना सकें। तो काइंडली आप इस बारे में मुझे अपनी राय लाजमी दें कि व्लॉग्स के हवाले से हमें क्या करना चाहिए, कितनी टाइमिंग का बनाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई जगह ऐसी है, जैसे कि मैंने मीनार पाकिस्तान का व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने तकरीबन जो है ना वो मुझे दो उसके वो करने पड़े थे पार्ट जो हैं, तो उस हवाले से भी मैं पूछना चाह रहा था कि अगर पार्ट वाइज अगर बड़ा व्लॉग है, एक बड़ी जगह है, उसके मुझे दो पार्ट बनाने पड़ते हैं, तीन बनाने पड़ते हैं, तो क्या हम उसको पार्ट वाइज जो है ना वो कर लें, डिवाइड करके आपको दिखा दिया करें, या कि हम बनाएं इतना मुख्तसर के जिसमें, लेकिन मुख्तसर में मैं खुद बजाते खुद जो है ना मुतमिन नहीं होता। इसकी वजह यही है कि वहाँ अगर मैं आपको शॉर्ट करके दिखाऊंगा तो मैं आपको हर चीज़ जो है ना वो ओपनली दिखा नहीं सकूंगा। तो काइंडली ये चीज़ें जो है ना आप मुझे लाजमी बताएं, ब्रीफ करें मुझे, आपकी मेहरबानी है। आप मुझे व्यूज़ दे रहे हैं लेकिन आप लाइक जो है ना वो कम आ रहे हैं, और उसके बाद ये है कि आपके जो मशवरे जो मैं आपको हर जो है ना अपने व्लॉग के एंड पे मांगता हूँ आपसे कि आप मुझे कोई मशवरा दें मेरे व्लॉग्स के हवाले से, काइंडली वो मशवरे मुझे आपके बहुत ही ज़रूरी चाहिए, तो आप मुझे बताया करें। और ये जो रिक्वेस्ट मैंने आपके आगे रखी हैं इनके बारे में भी आप मुझे लाजमी ब्रीफ करें ताकि मैं आपकी खिदमत बेहतर से बेहतर कर सकूँ। तो आज के लिए इतनी ही बातें, इंशाल्लाह ताला अब मेरी कोशिश हुआ करेगी कि मैं कम वेश 15-20 दिन महीने में एक मरतबा आपसे जो है ना इसी तरह बैठ के बात कर सकूं और आपकी राय ले सकूं, लेकिन बराए मेहरबानी मुझे अपनी राय लाजमी दें और हर मेरे व्लॉग के बाद मुझे राय दें, मशवरा दें, और जो कमी बेशी होती है मुझे लाजमी बताएं। आपकी बहुत मेहरबानी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।